हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि वालियान और आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं साइंस के जो कुछ क्वेश्चंस आपके बचे हुए थे, बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इनको कंप्लीट आज कर लेते हैं और इसके बाद से फिर अति लघु क्वेश्चंस की शुरुआत होगी, ठीक है। और चैप्टर वाइज आपके पूरे नोट्स तो आपको प्रोवाइड करे ही जा रहे हैं और साथ साथ उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया जा रहा है। कॉन्सेप्ट वाइज क्लासेस आपकी हो रही है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, ठीक है। हर एक चैप्टर को हम आपके लिए कवर कर रहे हैं। और हाँ गाइज, आज की क्लास की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी अगर आप में से कोई नया मेहमान हमारे साथ है जिसने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन करिए, ठीक है। आपको हर एक क्लासेस की पीडीएफ, नोट्स, आपको सभी चीज़ें वहां पर प्रोवाइड कर दी जाती है और कोई भी क्लास की नोटिफिकेशन होती है, लाइव आना होता है या कोई भी बात मुझे आपसे शेयर करनी होती है, मैं सबसे पहले उसको टेलीग्राम पर भेजती हूँ, ठीक है। आपके साथ वही शेयर करती हूँ सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से आ जाइए सभी लोग, बुला लीजिए अपने सभी फ्रेंड्स को। गुड आफ्टरनून, ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। दोस्तों जब तक आप आते हैं आपकी 5 से 7 या 8 मिनट की क्लास तो वैसे ही निकल जाती है, तो आपको टाइम पता है, आप टाइम से आया कीजिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं आपको पहले ही नोटिफिकेशन शेयर कर देती हूँ टेलीग्राम ग्रुप में कि इस समय आपकी क्लास होने वाली है, तो आप उसी समय जल्दी जल्दी से फ्री होकर आ जाया कीजिए। लाइव क्लास को लेने का मजा ही अलग होता है, ठीक है। तो चलिए गुड आफ्टरनून एवरीवन, शुरू करें आज की क्लास, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं गाइस और देखते हैं आज कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सभी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और आपकी तैयारी में चार चांद लगाने वाले क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो चलिए अब एक एक करके हर एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है गाइस। और आपको जिनको भी इनका आंसर पता होता है वो सभी कमेंट बॉक्स में साथ साथ बताते हुए चलिएगा, ठीक है। मेरा साथ दीजिएगा और साथ साथ बताते हुए चलिएगा ताकि मुझे लगे कि आप चीज़ों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और उनको ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तभी मेरा आपको आपके रोज क्लासेस लेने का फायदा होगा जब आप आंसर करेंगे, भले ही गलत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर गलत करने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप अभी गलतियाँ कर लेते हैं तो उनसे आप सीखेंगे, ठीक है। अगर आप गलती नहीं करेंगे तो आपको वो चीज़ें नहीं आएंगी, तो गलती कीजिए। अगर आपको आपका क्वेश्चन यहाँ पर गलत होता है तो कोई बात नहीं है, आपको एग्जाम में बिल्कुल सही होना चाहिए, यहाँ की गलती से आप सीख लीजिए, ठीक है। अगर आप गलत भी आंसर करते हैं तो कोई उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं और एक एक कर सभी क्वेश्चंस को जानेंगे। अमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम है, अमाशय होता है ये, ठीक है। अमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है इनमें से, तो वही आपको यहाँ चुनना होगा। इनमें से कौन सा एंजाइम ऐसा है जो कि अमाशय में या अमाशय में पाया जाता है, चलिए देखते हैं। हरी अप गाइस, जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए, अगर आप जानते हैं तो फटाफट से आंसर दीजिए। अमाशय जो है वो अमाशय में पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। कौन सा? पेप्सिन। अमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। और वहीं अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन है इनमें से कौन सा, तो वह हो जाता है इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कैल्शियम तथा फॉस्फोरस के नियमन का कार्य करता है कौन करता है, तो वह करता है पैराथोर्मोन, ठीक है, पैराथोर्मोन। और हाँ गाइज, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपने क्या वो विटामिन्स वाली क्लास ली है, अगर ली है तो आज आप बहुत ही धुआं धुआं कर देने वाले हैं इन क्वेश्चंस को, क्योंकि आपसे वहीं से एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका बन गया है, जल में घुलनशील विटामिन इनमें से कौन सा है, वही आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो बताइए अगर आपको पता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है तो जल्दी से आंसर कीजिए। बहुत अच्छा दोस्तों, विटामिन बी जो है वो जल में घुलनशील विटामिन होता है, ठीक है। ये आपको मैंने ट्रिक से कराया हुआ है, आपको एक छोटा सा वर्ड याद रखना है ट्रिक का, उससे आपको सभी विटामिन
की सोल्युबिलिटी याद हो जाएगी कि कौन सा विटामिन किस चीज़ में सोल्यूबल है, कौन सा वसा में या फिर कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है, सब चीज़ें आपको बहुत ही सही ढंग से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर हम बढ़ रहे हैं। पूछा गया है कि दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है क्या, इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है कि जो आपकी दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक होती है, तो वह होती है कैल्शियम और फॉस्फोरस। ठीक है, हड्डियाँ भी इन्हीं की वजह से मजबूत होती है, इन्हीं से बनी होती है। वहीं आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है जिसमें पूछा गया है पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है किसके द्वारा, तो वह किया जाता है पाश्चुरीकरण। ठीक है, पाश्चुरीकरण द्वारा, ये एक विधि होती है, इसी के द्वारा जो है जो पैकेट वाला दूध होता है उसको संरक्षित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर हम मूव कर रहे हैं। पूछा गया है कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है किस में, उसके प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, या प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में, या इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी भी परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान होता है वह निहित होता है उसके प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में। अगले क्वेश्चन है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है उसके परमाणु में उपस्थित किसकी संख्या से, न्यूट्रॉन की संख्या से पता चलता है परमाणु क्रमांक का, या फिर प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की, या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन दोनों की। तो दोस्तों परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या के। ठीक है, किसी भी तत्व में जितनी भी उसकी प्रोटॉन की संख्या होगी उतना ही उसका परमाणु क्रमांक होगा। ठीक है, याद रख पाएंगे आप ये चीज़ें, बहुत ही माइनर सी चीज़ें होती है और बहुत ही ज़्यादा महत्व आपके एग्जाम के लिए रखती है। अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे और जानेंगे कि परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं क्या, स्थित होता है परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन। तो पहले ही हमें आंसर यहाँ पर मिल चुका है, परमाणु के नाभिक में स्थित होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है कौन सा, इनमें से जो निष्क्रिय गैस होती है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है तो वह कौन सा है, 2 और 8। ठीक है, 2 और 8। आगे बढ़ते हैं, परमाणु द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है इनमें से कौन सा है, तो वह है कार्बन 12। ठीक है, कार्बन 12 परमाणु द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक होता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक होता है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र इनमें से कौन सा है, पूछा गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ये क्वेश्चन आपका दोस्तों परसों वाली जो क्लास हुई थी साइंस की उसमें भी आया था, तो यहाँ आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CaOH2। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप सभी लोग आंसर दीजिएगा। यहाँ पूछा गया है भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है, या पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन नहीं होता है, या फिर नया पदार्थ बन जाता है। तो बिल्कुल सही है, जब भौतिक परिवर्तन होता है तो नया पदार्थ बन जाता है। वहीं आपसे अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यावर्तित परिवर्तन है, तो इनमें से कौन सा है, वह है मोम का पिघलना। ठीक, मोम का पिघलना इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर हम बढ़ रहे हैं और यहाँ आपसे पूछ लिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, तो इनमें से रासायनिक परिवर्तन इनमें से कौन सा है वही आपको यहाँ पर बताना है। चलिए नीचे से शुरुआत करते हैं, कांच की बोतल का टूटना तो यह तो नहीं होगा रासायनिक परिवर्तन। अगर बात करें कागज का जलना तो यह भी रासायनिक परिवर्तन, हम इसको नहीं कह सकते। कागज को बड़े बड़े टुकड़ों या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना ये भी नहीं होगा रासायनिक परिवर्तन, तो फिर कौन सा होगा। कोयले को पीसकर पाउडर बनाना, क्या ये रासायनिक परिवर्तन है, ये भी नहीं है, तो फिर कौन सा होगा इनमें से सही जवाब, कोई बता पाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो हमने बात की है कागज के जलने की, तो यही हमारा क्या होगा, यही कहलाएगा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, क्यों कहलाएगा, इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ, यही इसका ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल सही हो जाएगा। वो कैसे, क्योंकि कागज का जलने कागज के जलने पर क्या होता है,
वो बदल जाता है राख और धुएं में, ठीक है। यह एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें नए यौगिक बनते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन कहेंगे, ठीक है। इसीलिए ये इसी का उदाहरण है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक बार को मैं ही थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गई थी, तो यही इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर रीजन बता दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ज्वालामुखी का फूटना है क्या है इनमें से, मंद परिवर्तन, अनुकूल परिवर्तन, या प्रत्यावर्तित परिवर्तन, या अनियमित परिवर्तन? तो दोस्तों ज्वालामुखी का फूटना यह है अनियमित परिवर्तन, ठीक है। क्या होगा, अनियमित परिवर्तन होगा। और दिन रात का होना यह क्या है, यह होता है रासायनिक परिवर्तन, बिल्कुल नहीं। प्राकृतिक परिवर्तन, एक बार को यहाँ पर कोई भी इसको टिक कर सकता है, लेकिन वो गलत हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, पहले सभी ऑप्शंस को आगे बात की गई है। नियमित एवं प्राकृतिक परिवर्तन, तो दोस्तों नियमित और प्राकृतिक दोनों ही होगा, ठीक है। नियमित है क्योंकि दिन और रात ऐसे तो नहीं है कि सिर्फ एक बार हो गए उसके बाद दोबारा आपको दिन या रात देखने को नहीं मिलेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। यह एक नियमित परिवर्तन है और प्राकृतिक परिवर्तन है। हमारा दिन रात होने में कोई रोल नहीं है, वो सभी प्रकृति का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया हुआ है, DLED 2019 में पूछा गया है। पित्त रस बनता है इनमें से कहाँ, ठीक है भाई। आपको बताना है कि जो बाइल जूस होता है, पित्त रस होता है, वो कहाँ बनता है, वह बनता है दोस्तों यकृत में, यानी लीवर में। बाइल जूस कहाँ बनता है, लीवर में बनता है, पित्त रस यकृत में बनता है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलन का उदाहरण है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और हर साल आपका सरल मशीनों से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। और सरल मशीन के अंदर भी आपसे उत्तोलक, तीनों प्रकार के जो उत्तोलक मैंने आपको बताए हैं, उनमें से कोई ना कोई आपको एग्जांपल देखने को मिलेगा या मिलेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। तो दोस्तों यही आपकी जो पिछली क्लास हुई थी उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था और मैंने आपको रीजन लिखने को कहा था, आप लोगों ने लिखा भी और बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप चीज़ों को बहुत ही सीरियसली देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आप बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिमटा, ठीक है। यही होता है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, क्यों होता है ये चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की हुई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है, तो जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें कौन सी गैस निकलती है, वही आपसे यहां पर पूछा गया है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है, तो देखते हैं कौन इसका सही आंसर दे पाएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन, ठीक है। जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, पौधे अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश से, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, तो उसमें वे क्या करते हैं, CO2 को ग्रहण करते हैं और फिर छोड़ते क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। और आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जहाँ से मैंने ये आपके लिए क्वेश्चंस उठाए हैं वहाँ पर आपको ये गलत दिया गया है, ठीक है। वहाँ पर बोला गया है कि CO2 निकलती है, लेकिन दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस तरीके से गलत देखने को मिलेंगे, तो आपको बिल्कुल आंख बंद करके इन चीज़ों पर भरोसा नहीं करना होता, अपने आप को एक बार जांच लेना चाहिए, ठीक है। तो ऑक्सीजन गैस निकलती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में और ग्रहण की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। आगे बात करते हैं, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं क्या होते हैं, परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न। यहीं पर हमें हमारा आंसर मिल जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, ठीक है। आगे पूछा गया है चंद्रमा क्या है, तो चंद्रमा क्या है, देवता है क्या कोई, बिल्कुल नहीं है, तारा नहीं, ग्रह नहीं, तो ये है एक उपग्रह। और किसका उपग्रह है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, उपग्रह किसका है चंद्रमा, देखते हैं आप बता पाते हैं या नहीं। तो यह उपग्रह हो जाता है किसका, पृथ्वी का, बिल्कुल सही जवाब। तो दोस्तों बहुत छोटी सी और प्यारी सी आज की क्लास थी और आज हमने साइंस के जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न बनते थे हमने सबको कंप्लीट कर लिया है। और कुछ क्वेश्चंस आपके लिए सर्च किए जाएंगे, जहां से भी मेरे को मिलेंगे मैं आपके सामने ज़रूर लेकर के आऊँगी। और फिर अब हम जल्दी से क्या करेंगे, सभी क्वेश्चंस की मल्टीपल चॉइस ख़त्म करते हैं और अति लघु पर चलते हैं। तो कल से आपकी जो है साइंस के मैं कोशिश करूँगी कि अति लघु की क्लासेज लेके आऊँ, कैसा रहेगा, ठीक है, सही रहेगा ना।
ओके गाइस, तो चलिए अब आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई है, क्लास पसंद आई है, तो जल्दी जल्दी से लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स मित्रों के साथ शेयर कीजिए गाइस। और थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे से मेरा साथ देते हैं और बहुत अच्छे से आंसर देते हैं। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके इसी आपके कमेंट्स के थ्रू। आप जो इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं, मेरा मन करता है कि मैं आपके लिए बहुत अच्छे से और भी मेहनत के साथ आपको चीज़ें प्रेजेंट करूँ आपके सामने, ठीक है। तो इसी तरीके से अपना साथ बनाए रखिए मेरे साथ। सो थैंक यू सो मच गाइस, फिर से मुलाकात होगी आपसे नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।